Question number 2 of this exercise is as same as question number 1 so students you have to do it by yourself so i'm gonna teach you the uh, question number 3 and the question number 3 is calculate the amount of zakat on 10 tola gold and 40 tola silver if the rate of gold is rupees 40000 per tola and the rate of silver is rupees 5000 per tola कि आपने क्या करना है अमाउंट ऑफ ज़कात फ़ाइंड करनी है जो कि दस तोला अगर आपके पास सोना है और चालीस तोला आपके पास चांदी है और जो एक तोला है सोने का वो उसकी अमाउंट क्या दी हुई है आपको फोर्टी थाउजेंड एंड जो पर तोला सिल्वर की यानी कि चांदी की जो अमाउंट आपको दी हुई है दैट इज़ रुपीज़ फाइव थाउजेंड सो विल सॉल्व इट रेट ऑफ गोल्ड जो आपको गिवन है क्वेश्चन में इज़ रुपीज़ फोर्टी थाउजेंड एंड अगर आपके पास एक तोला का फोर्टी थाउजेंड है तो दस तोला गोल्ड की क्या होगी प्राइस ऑफ टेन तोला गोल्ड इज इक्वल्स टू टेन से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे फोर्टी थाउजेंड से तो हमारे पास दस तोला सोने की कीमत आ जाएगी एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट वी गेट फोर हंड्रेड थाउजेंड ठीक है ये आपके पास आ गया दस तोला सोने की अमाउंट एंड अब हमारे पास जो गिवन सिल्वर का रेट था वो क्या था रुपीज़ फिफ्टी थाउजेंड पर तोला था अब हमने जो है वो फोर्टी तोला चांदी की आ, वैल्यू फाइंड करनी है तो हम लोग फोर्टी को मल्टीप्लाई करेंगे फाइव थाउजेंड के साथ जिस तरह से हम लोगों ने गोल्ड में किया था ठीक है सो द प्राइस ऑफ़ फोर्टी तोला सिल्वर इज इक्वल टू फोर्टी मल्टीप्लाई रुपीज़ फ़ाइव थाउजेंड एंड वी विल गेट द टू हंड्रेड थाउजेंड द प्राइस ऑफ फोर्टी तोला सिल्वर राइट right अब जो जकआत हम देते हैं वो इन दोनों को मिला के या फिर जो दोनों की जो अमाउंट्स आई हैं हमारे पास उसके टोटल में से हम लोगों ने जकात की अमाउंट निकाली है सो वी हैव टू एड दीज टू वैल्यूज़ सो हम क्या करेंगे टोटल अमाउंट हमें फाइंड करनी है तो जो प्राइस आई थी हमारे पास गोल्ड की उसको और जो प्राइस आई थी हमारे पास सिल्वर की इन दोनों को हम लोगों ने क्या कर लेना ऐड कर लेना रुपीज़ फोर हंड्रेड थाउजेंड है उसको हम ऐड करेंगे टू हंड्रेड थाउजेंड में एंड वी विल गेट द आंसर रूपीज सिक्स हंड्रेड थाउजेंड अब जो Zakat फाइंड करेंगे वो हम इसमें से फाइंड करेंगे सिक्स हंड्रेड थाउजेंड में से ठीक है तो रेट ऑफ ज़कात यू नो टू पॉइंट फाइव परसेंट है आगे सेम वही प्रोसीजर है अमाउंट ऑफ़ ज़कात टू पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ रुपीज़ सिक्स हंड्रेड थाउजेंड तो हम क्या करेंगे इसको टू पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई वन बाई हंड्रेड मल्टीप्लाई रुपीज़ सिक्स हंड्रेड थाउजेंड काट देंगे आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट और सॉल्विंग इट यू विल गेट द आंसर फिफ्टीन थाउजेंड ठीक है सो so, जो सिक्स हंड्रेड थाउजेंड में से जो आपकी जक़ात बनती है दिस इज़ फिफ्टीन थाउजेंड राइट